वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये अच्छा ऑप्शन है बच्चों को सब्जियाँ खिलाने का। इस रेसिपी में आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हेल्दी वेजी पूरी की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो पालक के पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक काट लिया है। आधा किलो करीब आटा लिया है। एक बड़ा चम्मच सूजी, एक बड़ा चम्मच तेल, 1.5 टेबल स्पून अजवाइन लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 मीडियम साइज के आलू को लेके मैश कर लिया है, 1 छोटी फूलगोभी के फूलों को मैश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, बारीक काट लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट कर लिया है। अब आइए सबसे पहले हम आटे में इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले एक बोल में आटा लेंगे। आटे में हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तेल ऐड करेंगे, अजवाइन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ये। के बाद हम एक एक करके अपनी सारी सब्जियों को इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने प्याज डाल दिया, हरी मिर्च और हम इसमें सूजी को भी मिक्स कर देंगे। आलू डाल देंगे, फूल गोभी डाल देंगे और इन सबको साफ हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पालक के पत्तों को भी ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी तभी हम इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके, अगर पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको गूंद लेंगे। ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब हम इनकी छोटी छोटी पूरियां बेलेंगे। इसके लिए मैंने सूखा आटा लिया है। अब हम इनकी छोटी छोटी सी पूरियां बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा लगा के हम इनकी छोटी छोटी पूरियां बेल लेंगे। ये मैंने पूरियों को बेल लिया है। ये हमारी सारी पूरियां तैयार हो गई हैं। अब हम इनको तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है। हमारा तेल गर्म हो गया है। हीट को हम मीडियम पे कर देंगे और अपनी पूरियों को एक एक करके तल लेंगे।
पूरियों को नाइस क्रिस्प होने तक तलेंगे ताकि हमारी सब्जियां भी अच्छे से कुक हो जाएं। हमारी पूरी अच्छे से तल के तैयार हो गई है। अब हम इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सारी पूरियों को तल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ग्रेट करके डाल सकते हैं, गाजर भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं आप। ये हमारी पूरियाँ तलकर तैयार हो गई हैं। ऐसे ही गोल्डन कलर की सारी पूरियों को हमें तलना है। ये हमारी सारी पूरियाँ तलकर तैयार हो गई हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। ये हमारी पूरियाँ तल के तैयार हो गई हैं, अब इन्हें सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए आप टोमेटो सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व करिए। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पूरियां हैं। आप इसे टोमेटो चटनी या हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, या चाहें तो आप किसी एक चीज़ के साथ सिर्फ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही हेल्दी है। तो दोस्तों एंजॉय करिए आप वेजी हेल्दी पूरी को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।